G20 की बैठक पर ये बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, और G20 क्या आप तो यूं कह लीजिए G21 अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि G20 से भारत का डिजिटल दुनिया वाला जो संदेश है उसकी शुरुआत कर दी गई है। विदेशी मेहमानों के मोबाइल पर UPI पेमेंट, जी हां UPI पेमेंट के जरिए इसकी शुरुआत हो गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर, इसी पर कुछ और जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी नीरज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, इस बाबत क्या इंफॉर्मेशन और आपको मिल पा रही है? नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन एक बड़ी पहल है विदेशी मेहमानों के मोबाइल पर UPI पेमेंट। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइए। अखिलेश जी, अखिलेश मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी हमारे विदेशी मेहमान G20 में हिस्सा लेने आए हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार ने विशेष तौर पर उनके मोबाइल पे UPI ऐप डाउनलोड कराया, और उसके अलावा कुछ उनके वैलेट में सरकार की तरफ से पैसे भी डाले गए ताकि वो भारत में आकर UPI के थ्रू खरीदारी कर सकें। और ये भी सुविधा है कि अपने बैंक से उस UPI में पैसे ट्रांसफ़र करके वैलेट क्रिएट कर सकते हैं और उससे भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल तौर पर भारत सरकार ने सभी मेहमानों के UPI ऐप में खुद उनके वैलेट में पैसे डाले हैं ताकि वो बिना किसी रुकावट के कहीं भी जाकर बकायदा डिजिटली पेमेंट करके खरीदारी कर सकते हैं। नीरज, ये एक बड़ी खबर है और सांकेतिक तौर पर ये ट्रांजैक्शन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, दोबारा भी मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ और जानकारियां आ रही है अपडेट के लिए, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। और आइए सीधे आपको एक बार फिर से भारत मंडपम लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं, और जैनेन्द्र जो हैं वो भारत मंडपम में वो जो क्राफ्ट्स बाजार सजाया गया है वहां पर मौजूद हैं। वहां की रौनक जरा जल्दी से दिखा दीजिए जैनेन्द्र, इससे पहले यहां पर विदेशी डेलीगेट्स पहुंच जाए खरीदारी के लिए। बिल्कुल, जो नीरज कुछ देर पहले बता रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से UPI में कुछ राशि जो है वो भी डाली गई UPI पेमेंट के माध्यम से, वो खर्च कहाँ हो सकती है तो वो इन्हीं जो अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों की कलाकृतियों के, वो खास तौर पे ये विदेशी मेहमानों के लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं ताकि वो भारत की कोई याद जो है वो अपने साथ लेकर जा सकें और कम से कम कलाकृतियां तो देखें। ये आंध्र प्रदेश का स्टॉल है और हमें वीणा नज़र आ रही है, और इसके अलावा राज्य से जुड़ी हुई खास कलाकृतियां हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे समझते हैं ये आंध्र प्रदेश का स्टॉल है। सर, हमें ज़रा बताएंगे दर्शकों को कि क्या क्या स्टॉल के अंदर मौजूद है। जो इधर जो भी स्टॉल में मौजूद है, जो उपाड़ा जामदानी साड़ी है, जो भी GI टैग्ड साड़ीज है आंध्रा में, जो भी वीवर के साथ आंध्रा वीवर के साथ वीविंग कर चुका है ये साड़ीज है, जो भी आंध्रा आपको हैंडलूम्स आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से इधर हम रख चुके हैं। ठीक है, तो कुछ लोग आए हैं दो दिन से घूमने के लिए? हाँ, आए थे। हाँ, क्या ले रहे हैं? कलमकारी फैब्रिक है सर हमारे पास, जो भी कुर्ता और कुर्ती खरीद क्या रहे हैं, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है? हाँ सर, कलमकारी फैब्रिक अच्छा लग रहा है उनको। ठीक है, आंध्र प्रदेश से हम आपको रोमाना लेकर चलते हैं। बगल में तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, और सब जगह की एक नायाब जो है चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर एक चांदी से बना हुआ G20 का लोगो है, ये आपने हाथ से बनाया? हाँ, हाथ से बना है, तेलंगाना से आई हूँ, करीम नगर का क्राफ्ट। ये कितने का है? ये तो 12,000 का है। अच्छा। सर 12,000 का है, टोटल बारीक तार से होगा ये काम। तो ये तो 450 ईयर्स ओल्ड क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट। और इसमें भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो भी बना हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये भारत के हैंडीक्राफ्ट की धूम, भारत मंडपम में सजे क्राफ्ट बाजार में। और जाहिर सी बात है, जब विदेशी मेहमान भारत से लौटेंगे तो कोई छोटा सा मोमेंटो, एक यादगार के तौर पर वो यहां से जब लेकर जाएंगे तो अपने साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की एक विरासत के तौर पर, एक पहचान के तौर पर वो तोहफा हमेशा सजोकर रखेंगे। विश्वोत्सव पर एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।